नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल जी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के नोनहर पंचायत में मैं उपस्थित हूं, और नोनहर पंचायत में अभी आप देख रहे हैं कि तमाम जिला के पदाधिकारियों की गाड़ी लगी हुई है। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि नोनहर के वो जगह ये है जहाँ पर आप सरकारी पंचायत भवन देख रहे हैं, और इधर में देख रहे हैं एक पोखरा है। और यहाँ पर हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है, और आगमन के लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। तैयारियाँ के लेकर के रोहतास के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्ट से हो या प्रशासनिक डिपार्ट से हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक दिन नहीं प्रतिदिन यहाँ पर आकर के और इसकी जाँच कर रहे हैं कि कहीं पर कोई इस क्षेत्र में कमी ना मिल जाए। और इसका विशेष जानकारी यहाँ के जो मुखिया हैं उनके पास मैं चल करके और आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ उनसे बातें करके। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के नोनहर पंचायत में मैं उपस्थित हूँ, और नोनहर पंचायत के पंचायत भवन में मैं बैठा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के मुखिया जी उपस्थित हैं और प्रतिनिधि भी उपस्थित है उनका, तो मैं कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के लेकर के यहाँ पर बहुत काफी सर सफाई देखा जा रहा है इस पंचायत में, और इसके बारे में विशेष जानकारी लूंगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आभा कुमारी है, मैं नोनहर पंचायत की मुखिया हूँ। अभी यहाँ पर बाहर में मैं देखा कि कुछ दिशा दशा कुछ अलग ढंग के नजर आ रहा है, जो कि काफी बदला हुआ है, तो क्यों ये मतलब यहाँ पर क्यों ये काम चल रहा है? मुख्यमंत्री के आने के वजह से यहाँ पर सर सफाई हो रहा है, पूरा काम चल रहा है तेजी से। चलिए, मुख्यमंत्री के आने के खबर सुन करके यहाँ पर कार्य चल रहा है। अभी हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मिक्की राज मेहता हुआ, मुखिया प्रतिनिधि हुआ, ग्राम पंचायत नोनहर, प्रखंड विक्रमगंज, रोहतास, बिहार। अभी बहुत यहाँ पर काफी सफाई देखा जा रहा है, और जो भी कार्य यहाँ पर पिछले कई वर्षों से वंचित है उसको भी देख रहे हैं यहाँ पर, कि कुछ काउंटरें लगा करके सुधार करवाया जाता है, ये सब क्यों यहाँ पर हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं ग्राम पंचायत नोनहर के तरफ से। जो सफाई की व्यवस्था है, जब से लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान के तहत से हमारे पंचायत में ODF प्लस टू चयनित हुआ, तब से हमारे पंचायत में ही हर घर में लोहिया स्वस्थ अभियान के घर में हर घर में दो दो डस्टबिन वितरण हो चुका है, और पैंडल रिक्शा के द्वारा स्वच्छता कर्मी बहाल हुए हैं। पैंडल रिक्शा लेकर हर स्वच्छता कर्मी हर घर जाते हैं मॉर्निंग में, और वहां से कचरा उठाव करते हैं, सूखा कचरा को सूखा में और गीला को गीला में उसको लेकर, और वहां डिस्पोजल कर WP पे वहां आपको जो भी है उसका निराकरण होता है। तो हमारे यहां स्वच्छता तो शुरू से ही चल रहा है। जो भी मान लीजिए आप बता रहे हैं कि जो भी कार्य है, इस कार्य के लिए यह नहीं कि आज हम लोगों को नव निर्वाचित हुए मिसेज को एक वर्ष हो गया, हमने चरमुखी विकास करने का कार्य किया है। वार्ड नंबर 3 में जो पानी की वर्षों से 50 वर्ष से नली की समस्या थी, उसका भी हमने निदान करवाया, और वहां का पानी का समस्या का निदान हुआ। अतिक्रमण था, अतिक्रमण को हम लोगों ने मिल समझा बुझाकर उसका मुक्त कराकर नली बनवाने का कार्य किया। और बाकी यहाँ पर अभी कौन कौन सी समस्या आपको दिखाई दे रही जिसको आप सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं? जब से हम लोग चुनाव जीते, हम लोग तो जमीन से ही जुड़े हुए हैं, और जो भी राशन कार्ड की समस्या हो, आवास की समस्या हो, वृद्धा पेंशन की समस्या हो, हर समस्या का हमने निदान करने का उसका हमारे तरफ से पहल होती रही है। आपकी तरफ से पहल होती रही, परंतु आज काउंटरें क्यों लगाई गई है यहाँ पर?
विशेष हमारे संभावना है कि माननीय बिहार के सुप्रीमो जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं 11 तारीख के बड़ी खुशी की बात हो रही है कि नुनहर पंचायत में 11 तारीख को आने वाले हैं, संभावना है जी। संभावना है हाँ, संभावना है, आ सकते हैं, आ सकते हैं। यानी ऐसा भी कुछ है क्या कि नहीं आएंगे? देखिए मान बिहार के तो मुखिया जी हैं जी। पूरे बिहार के मुखिया, उनके पास बहुत सारी अथी है। अभी हम लोगों को पत्र नहीं आया, जब तक से पत्र लिखित रूप से नहीं आ जाता तब तक से हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे जिले के पूरे जिला अधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इन लोगों से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। पूरे पंचायत में हम लोग सफाई हो या जो भी पूर्ण कार्य हो उसको हम लोगों ने पूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग पंचायत में बाहर में निकले तो देखे यहाँ पर कि रोहतास के तमाम पदाधिकारियों की गाड़ी एक लाइन से लगी हुई है, ताकि तमाम पदाधिकारी इस नोनहर पंचायत में आए हैं और नोनहर पंचायत के दृश्य अभी देखा जा रहा है तो कुछ अलग बदल चुका है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। पास है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप खुशी की बात है, अभी तो खुश है ना। मैं तो जब हम विकास देखेंगे तो जरूर खुश रहेंगे, और जब विकास दिखलाएंगे तो तमाम जनता खुश होगी। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, और कि हमारे नुनहर पंचायत में की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के आने से इस नुनहर पंचायत में क्या क्या विकास हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी कार्य छूटा हुआ था उसको हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त सर रोहतास, उन लोगों को जो भी कमियां लगा, हम लोगों को जो भी कमी था, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कार्य करने का और बहुत जल्द पूर्ण कर रहे हैं। राशन को लेकर के सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? राशन जो है, जो योग्य परिवार हैं, राशन हो, आवास हो, जो योग्य परिवार है, हमने हर पहले भी ग्राम सभा में कहते थे जो योग्य कारधारी हैं उनको राशन निश्चित बनेगा और उनको राशन उपलब्ध हम लोग कराएंगे। क्या वृद्धा पेंशन जो है यहाँ पर सब लोग को मिल चुका है, मिल रहा है? देखिए मिलता है, कुछ मान लीजिए थम्स के वजह से भी समस्या आ रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम लोगों ने सुधार करने के लिए पहल किया है, पहल हो रही है। बिजली की कैंप लगा है आपको, हमारे राजस्व जो कर्मचारी है वहाँ पर आपको यहीं पंचायत सरकार भवन में पहले से भी बैठते हैं, हमारे पंचायत सचिव जी भी आते हैं, आपको राशन कार्ड के लिए भी वहाँ पर लगा हुआ है, वृद्धा पेंशन के लिए हर सर सब लोग विभाग के जो भी हैं यहाँ कैंप लगा हुआ है एक सप्ताह से। अभी हमारे अंचलाधिकारी LRDC साहब, अनुमंडल पदाधिकारी भी आए हुए थे, तो उसके लिए भी आपको पहल हो रही है कि वार्ड में जाकर जहाँ की दूरियाँ ज़्यादा है उस वार्ड में जाकर उसका निराकरण हो, और इसके बाद पंचायत का जो भी है अगल बगल का उप पंचायत में ही निराकरण हो, ग्राम पंचायत सरकार भवन में। चलिए अभी हमारी बात नुनहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से हो रही थी, और चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ RK सिंह के साथ अक्षय पटेल जी, फिर होता आपसे। यहाँ पर सर किस चीज़ का? बिजली बिल सुधार का काम चल रहा है। कौन सा ये जगह है? नुनहर पंचायत भवन। अच्छा, इससे पहले बिजली बिल का सुधार हो रहा था कि नहीं? ऑफिस पर हो रहा था। ऑफिस पर हो रहा था, कैंप लगा करके भी फिर भी बिजली गड़बड़ बिल हो जाता था क्यों? है बात सही है आपकी, है ना, मगर उसी चीज पर अभी काम चल रहा है सुधार की। तो उम्मीद लगाया जाए कि मतलब बिजली बिल सुधार जो हो रहा है वो हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा? हाँ, हमेशा के लिए सुधार होगा, होने लायक होगा तब। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है बिजली से संबंधित? यहाँ पर मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है, तार पोल ट्रांसफार्मर सब का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बिजली बिल का सुधार का काम चल रहा है। अच्छा, ये मेंटेनेंस के काम सिर्फ यहीं पर चल रहा है या इस मतलब अनुमंडल के अन्य? नहीं, प्रखंड में चल रहा है। प्रखंड में? हाँ, मतलब मुख्यमंत्री के आने की वजह से ऐसा? नहीं नहीं, पहले से भी चल रहा है जी, पहले से भी चल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह पड़ता है, मैं JLM के पद पर कार्यरत हूँ अभी विक्रमगंज में। चलिए, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
यहाँ पर सर किस चीज का बिजली बिल सुधार का काम चल रहा है? कौन सा ये जगह है? नोनहर पंचायत भवन। अच्छा, इससे पहले बिजली बिल का सुधार हो रहा था कि नहीं? ऑफिस पर हो रहा था। ऑफिस पर हो रहा था लगा करके भी, फिर भी बिजली गड़बड़ बिल हो जाता था क्यों? है बात सही है आपकी, है ना, मगर उसी चीज पर अभी काम चल रहा है सुधार किया। तो उम्मीद लगाया जाए कि मतलब बिजली बिल सुधार जो हो रहा है वो हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा? हाँ, हमेशा के लिए सुधार होगा, होने लायक होगा तब। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है बिजली से संबंधित? यहाँ पर मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है, तार पोल ट्रांसफार्मर सबका मेंटेनेंस का काम चल रहा है और बिजली बिल का सुधार का काम चल रहा है। अच्छा, ये मेंटेनेंस के काम सिर्फ यहीं पर चल रहा है या इस मतलब अनुमंडल के अनेक? नहीं, प्रखंड में चल रहा है। प्रखंड में? हाँ, मतलब मुख्यमंत्री के आने की वजह से ऐसा? नहीं नहीं, पहले से भी चल रहा है। जी, पहले से भी चल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह पड़ता है, मैं JLM के पद पर कार्यरत हूँ अभी विक्रमगंज में। चलिए, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मान लीजिए कि यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हम लोग इतने लोग उपस्थित हुए एक साथ। हम लोग लोग हैं, हम लोग को क्या लोग हैं? बोलिए। और लगा लो लगा कर काम कर लिया। अभी बात है।